सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर धूम और धमाल मचाने को बिल्कुल तैयार है। मूवी इसी साल दिवाली पर थिएटर्स में रिलीज होगी। टाइगर फ्रेंचाइज की तीसरी इंस्टॉलमेंट है टाइगर 3, जो बड़े स्केल पर ऑडियंस को पसंद आने के लिए तैयार की गई है। इस हाई ऑक्टेन फ्लिक्स में एक्शन से लेकर रोमांस तक और इंटरनेशनल लेवल का स्टंट भी दिखाया गया है। हम लोगों ने पठान मूवी में सलमान खान का एक कैमियो तो देखा था, इससे ये बात तो साफ होती है कि शाहरुख खान की पठान के कैमियो के बाद अब इस टाइगर 3 में शाहरुख खान का भी एक कैमियो होना पक्का है। टाइगर 3 के टीजर रिलीज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने इसके फैंस के दिल और गुर्दे को और भी बड़ा कर दिया है। सलमान खान की आखिरी रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान बड़े पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, इसलिए भाईजान को भी टाइगर 3 से काफी उम्मीदें हैं। ताजा रिपोर्ट की माने तो फिल्म का प्रमोशन उम्मीद से काफी जल्दी शुरू कर दिया गया है और ये भी लगता है कि टाइगर 3 का टीजर अगले कुछ दिनों में रिलीज भी हो सकता है। टाइगर 3 को लेकर ऑडियंस का एक्साइटमेंट लेवल तो तीसरे आसमान पर है। ऐसे में अगर फिल्म से जुड़ा हुआ कोई भी कॉन्टेंट अगर लीक होता है तो इसकी पब्लिसिटी होनी तो पक्की है। हालांकि कुछ आर्टिकल्स ने ये भी कहा था कि विक्की कौशल की स्टारर मूवी द ग्रेट इंडियन फैमिली के साथ इसका टीजर रिलीज किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टाइगर 3 YRF स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद टाइगर 3 सलमान की तीसरी स्पाई थ्रिलर फिल्म होगी। फिल्म में सलमान और कैटरीना 6 साल के बाद टाइगर और जोया के रोल में वापसी कर रहे हैं। मूवी में इमरान हाशमी ने विलन का कैरेक्टर किया है। ऑडियंस की सबसे ज्यादा नजर इमरान हाशमी के कैरेक्टर पर ही गड़ी हुई है, क्योंकि हर कोई देखना चाहता है कि आखिरी टाइगर के सामने विलन कैसा दिखेगा। हालांकि विलन के रोल में इमरान हाशमी ने वंस अपॉन अ टाइम जैसी फिल्मों में अपना दबदबा पहले ही बना रखा है, तो इन लोगों की जुगलबंदी देखने में लोगों को काफी दिलचस्पी रहेगी। अगर सारी मूवीज एज पर चलती तो टाइगर 3 का क्लैश हो सकता था सलार पार्ट 1 सीज़फायर से, लेकिन सलार के पोस्टपोन होने से टाइगर 3 को यकीनन कुछ फायदा तो होगा ही। हालांकि ये कहना इतना आसान नहीं है कि टाइगर 3 और सलार में कौन जीतेगा अगर इन दोनों का क्लैश होता है। अगर इन दोनों का क्लैश होता तो ऑडियंस के लिए तो एंटरटेनमेंट पक्का था। और अगर बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताना कि अगर इन दोनों का क्लैश होता तो जीतता कौन।